हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है? ठीक है। आज धूप निकला है जमकर, जो कि ठंड क्या बोलते हैं, बारिश रात में हुआ, आंधी तूफान के साथ बारिश हुआ। बारिश तो एक महीना से ऊपर हो गया, हो ही रहा है, दिन में नहीं तो रात में, रात में नहीं तो दिन में। तो ये देख लें, बकरियां आज धूप से हाँफ रही है कैसे कैसे, जो कि जीव और मुंह पा दी है सब एकदम। तो ऐसे ही गर्मी यहाँ पे पड़ती है दोस्तों। और ये देखें बकरियां, ये भी दौड़ते रहती हैं, क्या करेंगे, सारा दिन दौड़ते रहेंगी। ये नहीं कि चलो मैं बनाने खाने गया तो लोग कम से कम आराम करें जब तक, नहीं दौड़ते रहेंगी। तो दौड़ने का मजा पा रही है सब, हाकर हाकर कर रही है एकदम। तो ऐसे ही काम वम होते रहता है दोस्तों। और थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब किया करें ताकि और भी वीडियो अच्छा आए बने। और ये देखें सऊदी का घर है, जो कि ये घर के पास आके मिली हैं बकरियां हमको। हमारे सऊदी का नहीं, ये दूसरे का है। और इधर पहले जमल रहता था, जिसे अपने भाषा में ऊंट बोलते हैं। और ये आमिल का रूम है, जो कि यहाँ पे आमिल पहले हिंदी रहता था, अभी त्यूबी रहता है। वो भी कहीं ऊंट ऊंट लेके गया होगा। ऐसे ही बकरियां सऊदी में चराया जाता है। और गर्मी तो ज़्यादा ही है, देखो रात में फिर आता है कि बारिश की नहीं आता है। और बारिश के कारण बकरियों को भी तकलीफ ज़्यादा ही होता है। ऐसा बालू है, बालू में दो बकरी का तो उधर मैं देखा, आज पैर धस गया था उधर ही। अब पैर धस गया तो समझ लो कि निकल पाएगा नहीं, हमको मालूम ही नहीं चला। और रात में जानवर खा गए, दिन में देखा तो नहीं था। तो बच्चे लोग को थोड़ा ध्यान दिया तो मालूम पड़ा, गया उधर तो देखा तो दो लोग का पैर धंसा हुआ था, जानवर जो कि खा चुके थे। तो यही बारिश में थोड़ा परेशानी होते रहता है, जो कि ये सब बालुए है, इसके लिए अगर साथ में ना रहो तो कहीं भी जल जला जैसे दलदल हो जाता है, दलदल होके उसी में धस जाता। ऊपर से मालूम पड़ेगा सूखा है, अंदर पैर डालेगी धस जाएगा पैर। तो ऐसे ही होता है। चलो ओके, और आगे वीडियो फिर आएगा। थोड़ा प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहें। और यही सब है जो है सो। चलो अल्लाह हाफिज़।